पुलिस चंद्र गवर्नमेंट के अंडर में, यानी कि मोदी जी के अंडर में है, उसके बावजूद इसने इतनी जघन्य अपराध होते हैं और पुलिस सबूतों को मिटाने का काम करती है। अमित शाह जी तो झूठ बोल रहे हैं, अमित शाह देखे कितना जंगल राज है यूपी में। 56 गज का मोदी का सीना कहाँ गया, अब गंगा जमुना की तरह पवित्र हो रहा था, कहाँ गया मोदी? 10 लाख रुपए देने से हमारे दर्द खत्म हो जाएगा? वो दर्द हमारे जख्म भर जाएगा? नहीं भरेगा कभी भी हमारा वो जख्म। उन लोगों को फांसी चाहिए, जब हमारा जख्म भरेगा तब उस जख्म पर मलहम लगने का काम होगा। नमस्कार, मैं शिवम, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यूपी के दौरे पे जाते हैं और कहते हैं यूपी अपराध मुक्त हो गया है, लेकिन दिल्ली की हालत क्या है, दिल्ली की हकीकत क्या है, वो आप आज इन सड़कों पे देख सकते हैं। 1 अगस्त को एक 9 साल की बच्ची के साथ रेप किया गया और उसे फिर जला दिया गया, वही घटना जो हाथरस में हुई थी। आखिरकार ऐसी क्या वजह है कि हर बार ऐसी घटनाएं हो रही हैं और ये रुकने का नाम नहीं ले रही हैं? सारी चीज़ें को समझेंगे। और क्या अमित शाह जिन चीज़ों का दावा करते हैं कि यूपी अपराध मुक्त हो गया और दिल्ली को भी हम अपराध मुक्त करा देंगे, इसकी असलियत क्या है, सारी चीज़ों को समझा जाएगा। अभी एक नया फरमान आया है, कि यहाँ ये धरना स्थल जो है पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए कई सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, इनको हटवाया जाएगा। दिल्ली पुलिस के ऊपर ये फरमान आया है कि इस सड़क को हटवाया जाएगा, खाली कराया जाएगा, लेकिन यहाँ लोगों से हम बात करेंगे कि क्या वो इसे खाली करने के लिए तैयार हैं या फिर केंद्रीय मंत्री अमित शाह को आईना दिखाने का काम करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? रात तक खड़े हैं अभी, हम रात यहाँ खड़े हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा यार, ये खाली नहीं होगा, बिल्कुल खाली नहीं होगा। ये यहाँ जमे रहेंगे और डटे रहेंगे जब तक। अमित शाह जी कह रहे हैं कि यूपी अपराध मुक्त हो गया, आपको क्या लगता है? आप कह रहे हो ना अमित शाह का नाम लेके, तो आप न्यूज वाले बोल रहे हो? यूपी में हाथरस में जो केस हुआ उसके कहाँ उन अपराधियों को सजा मिली? नहीं, हम नहीं कह रहे हैं, अमित शाह जी इस बात को। अमित शाह जी तो झूठ बोल रहे हैं, अमित शाह देखे कितना जंगल राज है यूपी में, ये तो वोट के लिए कह रहे हैं कि भी यूपी में कोई गुंडा राज नहीं है, ये दिल्ली में अपराध हो रहे हैं, यूपी में, पूरे देश में अपराध हो रहे हैं और इसके लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। लेकिन गरीब की बेटी का कोई सवाल, आज यहाँ पे आए थे और बोले कि हम 10 लाख रुपए का मुआवजा देंगे, इसको लेकर क्या राय? नहीं, केजरीवाल ने मुआवजे की कह दी 10 लाख रुपए। कल को केजरीवाल की लड़की का कोई बलात्कार कर दे, उसको जला दे, उसको अगर बोले भाई तू 10 नहीं 50 लाख ले ले, तो केजरीवाल मान जाएगा? उसके लिए मान जाएगा केजरीवाल? 10 लाख रुपए की बेटी वापसी आ जाएगी हमारी, ये बताओ आप, 10 लाख देने से हमारी बेटी वापसी आ जाएगी? हमारे पे इतना पैसा, हम 10 लाख रुपए हम दे रहे हैं, हमारी बेटी दे लो वापसी, हम दे रहे 10 लाख रुपए बेटी। केजरीवाल हुआ क्या, मोदी हुआ क्या, योगी आदित्यनाथ हुआ, हाथरस में कांड हुआ तब कोई शब्दान नहीं मिला, दलित समाज में जब यहाँ कांड हुआ तो भी कोई शब्दान नहीं मिला, 56 गज का मोदी का सीना कहाँ गया, तब गंगा जमुना की तरह पवित्र हो रहा था, कहाँ गया मोदी? क्यों नहीं लड़की के मामले में सुनना, क्यों नहीं न्याय दे पा रहा? दिल्ली पुलिस चंद्र गवर्नमेंट के अंडर में, यानी कि मोदी जी के अंडर में है, उसके बावजूद इसने इतनी जघन्य अपराध होते हैं और पुलिस सबूतों को मिटाने का काम करती है, ऐसे पोजीशन होने के बाद क्या अमित शाह कुछ बोल पाएंगे? क्या उनके पास जवाब है कुछ बोलने के लिए? आज ना अमित शाह के पास जवाब है, ना मोदी जी के पास जवाब है। आज दिखाई देता है कि वो तड़ीपार जो है ना, वो तड़ीपार आज वाकई में लगता है कि वो वाकई में ही तड़ीपार है, इसीलिए इतने अपराध यहाँ देश के अंदर हो रहे हैं, दिल्ली जैसी जगह भी हो रहे हैं। देखिए के हिंदुस्तान के अंदर जब से बीजेपी सरकार आई है, जब से ही कहीं ना कहीं दलित बच्चे बेचारे कहीं ना कहीं मरे जा रहे हैं। अभी मनीषा कांड हुआ आपको पता, हाथरस के अंदर, उसके बाद में अब ये वाला कांड हो गया, आखिर क्या करेंगे दलित भाई, ये बताइए आप, भारत की सुरक्षा, दिल्ली की सुरक्षा बताइए, आज पुलिस क्या कर रही है? पुलिस मुआवजा देंगे 10 लाख रुपए मुआवजा? मुआवजा नहीं चाहिए हमारे को, हमें इंसाफ चाहिए, क्या करेंगे हम इसका पैसे का? हमारा पैसा तो वो है जो हमारी बच्ची थी गुड़िया, जो 9 साल की बच्ची थी हमारी, उसको मार दिया गया दरिंदों ने। हम चाहते हैं कि फास्ट कोर्ट के अंदर जो सरकार पैसे नहीं चाहिए हमारे को, उनको फांसी दे दो जिन्होंने ये कांड कराया। बस जो सरकार 10 लाख रुपए देने की बात कर रही है, वो सरकार अपनी बहन बेटी देना हमें, हम उसकी बहन बेटी के साथ करें दिखाई, पता चलेगा उनको कैसा दर्द होता है। 10 लाख रुपए देने से हमारे दर्द खत्म हो जाएगा? वो दर्द हमारे जख्म भर जाएगा? नहीं भरेगा कभी भी हमारा वो जख्म। उन लोगों को फांसी चाहिए, जब हमारा जख्म भरेगा तब उस जख्म पर मलहम लगने का काम होगा।
आप 10 लाख रुपए देकर के हमें खरीदना चाहते हो, हमारी आबरू को खरीदना चाहते हो, ये कौन सा तरीका 10 लाख रुपए देकर आप हमें खरीदना चाहते हो? आप अपनी बहन बेटी देके देखिए ना, पता चलेगा कितना दर्द होता है। 10 लाख रुपए देकर 10 लाख रुपए का मुआवजा देना चाहते हैं, नहीं चाहिए हमें वो मुआवजा, हमें उनको फांसी चाहिए, यही समझदार घाटे फांसी चाहिए, पता चलेगा हमें भी दर्द होता है। साजी यूपी में जाके कहते हैं यूपी अपराध मुक्त हो गया है, आपको लगता है ऐसा हुआ? यूपी में सबसे ज्यादा अपराध हो रहे हैं इस समय यूपी के। आज बेटियां जो है अकेले निकलने में डरती हैं, आज यूपी की यह हालत है। मैं खुद यूपी से रहने वाला हूँ इसलिए मुझे पता है, मैं जानता हूँ यूपी के बारे में। यूपी के अंदर इतनी गुंडागर्दी है कि कोई बच्चा रात को 10 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकता। आप क्या कहते हैं कि यूपी के हमें अपराध मुक्त हो चुकी है? कहीं अपराध मुक्त नहीं हुई है, अभी भी इतनी दुर्दशा है। अभी हाथरस कांड आपके बीच में आपके सामने हुआ है, उसके बाद भी हर दूसरे दिन अगर यूपी का एवरेज लगाएं हर रोज एक बलात्कार होता है, ज़्यादातर दलित समाज के खिलाफ होता है। ऐसा क्यों हो रहा है? अभी कल की परसों की घटना है, मेरठ के अंदर एक बाइक के शोरूम के अंदर बाइक सही कराने के लिए गया एक व्यक्ति, उसने कंप्लेन की मेरी बाइक की सही से सर्विस नहीं की है, तो उसके प्राइवेट पार्ट के अंदर पेचकश डाल दिया गया। आप क्या कहते हैं यूपी के बारे में कि यूपी अपराध मुक्त नहीं है? अपराध मुक्त है, यूपी के अंदर इतना ज्यादा क्राइम है कि शायद जी वहां जाके तो ये कह देते हैं कि यूपी अपराध मुक्त हो गया है, लेकिन जब दिल्ली में अपराध होता है तो अभी तक ना तो कोई उनका बयान आया है, ना एक ट्वीट आया है, किसी भी तरीके से संजीदगी लेने के लिए वो तैयार नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? क्या बोला आपने? अमित शाह जी अगर यहाँ पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पर ही नहीं, वो अब कहीं कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, अब वो बोलने के लायक ही नहीं है, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो अमित शाह बिका हुआ है, एयरपोर्ट बेच दिया है और क्या कहते बैंक प्राइवेट कर दी सरकारी बैंक की, वो अमित शाह मोदी जैसे हैं जैसे क्या कहते गद्दार आदमी देश में, इन्हें तो जूता मार के निकालना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी यूपी के दौरे में जाते हैं, कहते हैं यूपी अपराध मुक्त हो गया, लेकिन दिल्ली की सुध नहीं है उनको, क्या कहना चाहिए? नहीं, अपराध मुक्त तो ना दिल्ली हुआ है ना यूपी हुआ है। आप वहाँ पे हाथरस का कांड देख लीजिए, यहाँ पे आप निर्भया कांड देख लीजिए, ये कांड देख लीजिए। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि आप फास्ट ट्रैक बनाइए, जहाँ पे फटाफट मुकदमे तेज हो आप फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाइए। और ऐसा हम क्यों कहें कि हमें मुआवजा दो या हमें परिवार की जो हानि हुई है वो पूरी करो, आप फांसी दीजिए ना, आप सजा दीजिए, आप प्रावधान निकालिए, यही तो होना चाहिए। ये मंत्री जी के इस बयान पे आप क्या कहना चाहेंगे कि अपराध मुक्त हो गया यूपी? अब गृह मंत्री ही ज्यादा अच्छे से जान सकते हैं कि अपराध मुक्त हुआ है कि नहीं। हमारे सामने तो अपराध मुक्त नहीं हुआ है, हाथरस का कांड लीजिए यूपी में ले लीजिए, दिल्ली का कांड यहाँ पे ले लीजिए, तो बताइए कहाँ पे हुआ है। देखिए कि ये एक सच्चाई है, केंद्रीय मंत्री अमित शाह यूपी के दौरे पे जाते हैं और कहते हैं कि यूपी अपराध मुक्त हो गया है, लेकिन दिल्ली की हालत ये है कि 9 साल की बच्चियों का साथ रेप किया जा रहा है, उनको जला दिया जा रहा है, और अभी तक केंद्र की सरकार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई भी संवेदना व्यक्त नहीं की गई कि कैसे पीड़िता को न्याय दिलाया जाए, कैसे दोषियों को सजा दिलाई जाए, इस बात की कुछ भी अभी तक कोई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पुष्टि नहीं की गई। क्या कहना चाहेंगे भैया? ये देखो, जिस प्रकार से दिल्ली कैंट के नांगड़ गांव में हमारी एक दलित की बेटी के साथ किस प्रकार से उसके साथ बलात्कार किया और बलात्कार करके उसको जिंदा जलाने की कोशिश की है, और अधमरी वो उसकी जैसे पुलिस प्रशासन को सूचित किया गया कि हमारे एक दलित की बेटी के साथ इस तरह शमशान घाट में ये एक कर्तव्य ये कांड किया गया है, इसमें पूरे देश और प्रदेश के अंदर पूरी तरह से माहौल गर्म है और दलित समाज के अंदर एक आक्रोश है कि उन दोषियों को सजा मौत की सज़ा मिलनी चाहिए। और कब तक, जब तक हम इस देश में जो कानून है कानून में बदलाव नहीं होगा तब तक इस तरह के ये जो कांड है ये बंद नहीं होंगे, तो तुरंत कानून में बदलाव करके इस तरह के लोगों को, इस तरह के जो अपराध करते हैं उनको फांसी की सज़ा देनी चाहिए। कि जैसे मोदी सरकार ने एक नारा दिया था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन आज इस प्रदेश और देश के अंदर किस प्रकार से अनुशासन है,
अगर मोदी सरकार और ये जो सरकार है अच्छे से कानून लागू करते तो इस तरह के कांड नहीं होते। लेकिन हर बार कहीं ना कहीं चाहे हाथरस का कांड है, चाहे ये दिल्ली पुरानी नांगल का कांड है, इस तरह के कांड हुए हैं। और मोदी सरकार जो है जिस प्रकार से पीड़िता का परिवार है उसको रेस्ट कर करके ले गया ताकि वो जो बयान है वो सही बयान अपनी बात ना रख सके, उनको गुमराह करके अब जैसे उनको गिरफ्तार कर लिया भाई, ताकि जो पॉलिटिकल पार्टी है या सामाजिक संगठन है वो आए और वो बताएंगे तो ताकि इस देश के अंदर एक माहौल गर्म ना हो जाए। ठीक है, और सारी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए कई सारे लोग यहाँ पे हाथों में पोस्टर बैनर लेकर बच्ची को न्याय दिलाने के लिए एकत्रित हुए हैं। इन लोगों से भी बात करने की हम कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आप देख सकते हैं, क्या लगता है भैया आपको कि सरकार न्याय दिला पाएगी बच्ची को? अगर सरकार चाहे तो 24 घंटे में जिस प्रकार से अपने लाभ के लिए कानून पास कर लेती है, ऐसी इस बेटी के लिए न्याय दिलाने के लिए पास कर सकती है। तो मेरा सरकार से आग्रह है, यहाँ पर कोई तारीख की जरूरत नहीं है, यहाँ तो हमें निर्णय चाहिए, और अगर निर्णय दे दिया ठीक है, ना तो हम आंदोलन करते रहेंगे। मैम, तो लोगों के अंदर गुस्सा है और ये गुस्सा जो है जायज है, क्योंकि एक 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है और अभी भी आप देख सकते हैं कैसे कि सरकार सोई हुई है और सुध नहीं ले रही है। बहुत सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, सबसे बात करने की कोशिश करेंगे और एक निष्पक्ष नज़रिया आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। अभी चारों अपराधियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अभी तक कोई प्रमुख कार्रवाई पुलिस के द्वारा नहीं की गई है। और आप जहाँ की देख सकते हैं कि कैसे कि पीड़िता परिवार के ही परिजनों को ही कटघरे में रखने की बात कही जा रही है। इनका ये आरोप है कि दिल्ली पुलिस के द्वारा परिजनों के माता पिता को जेल के अंदर रखा गया, उनकी पिटाई की गई। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ की पुलिस की कितनी ज़्यादा मुस्तैद है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। आगे आपको चीज़ें दिखाते हैं कि कैसे जो लोग हैं वो आक्रोशित हैं और साफ तौर से इस बात की मांग कर रहे हैं कि उनको उनकी जो मुजरिम हैं उनको सजा दिया जाए, ये सारी चीज़ों की मांग कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर जिस तरह दुष्कर्म यहाँ पर हुआ है और एक समाज को पर्टिकुलर एक निशाना बनाते हुए, अभी कुछ ही समय पहले की बात है, अभी मनीषा कांड हुआ है, मनीषा में वहाँ पर भी जो है वाल्मीकि समाज को टारगेट किया गया और यहाँ पर भी पुलिस का रवैया इस तरह का देखिए कि सबूतों को इकट्ठा करने के बजाय उसको मिटाने का कार्य कर रही है। कहीं ना कहीं दलितों के खिलाफ ये सरकार कार्य कर रही है, दलितों के खिलाफ सारे काम कर रही है, और हम इस सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ, ये पूरी तरह से उनसे ये गुंडों से कौन है सरकार जिनकी है वो गुंडे हैं, गुंडों की सरकार है, जब भी इंसाफ नहीं मिल पाता बैठ रहे क्योंकि गुंडे जो बलात्कारी हैं वो बैठे हैं सरकार में, तभी तो इंसाफ नहीं दे रहे, नहीं तो बनाओ कानून, फांसी का कानून बनाओ। तो ये सरकार ही गुंडों की है, मतलब 10 लाख रुपए दे दो किसी का बलात्कार करके जला के मार दो उसको, 10 लाख रुपए दे दो, बात खत्म। क्या यही है देश की सरकार, यही कर रही है? क्या कोई कानून है देश में जो अपराधियों को डर लगे और जो आगे ऐसे अपराध ना हो, कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती सरकार? आपको हम बताना चाहते हैं कि दिल्ली सरकार के द्वारा ये बात कही गई थी कि हम 10 लाख रुपए का मुआवजा देंगे, जिससे साफ तौर से यहाँ के जो लोग हैं वो इनकार कर रहे हैं कि हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए, जो अपराधी हैं उनको फांसी पे लटकाया जाए। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।